वेलकम टू हिम जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज आपका अपने हिम जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, शिक्षा विभाग में एक बड़ी खबर आई है, डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे। CNB शिक्षकों को TTT आर्ट्स के लिए यहाँ पे पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बात करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपके पास टाइम से मिलती रहे। दोस्तों और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, स्किप मत करना, पूरा देखना दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे पूरा देखना दोस्तों प्लीज़। चलिए डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग में आई है बड़ी खबर, यहाँ पे CNB शिक्षकों को TTD आर्ट्स के पदों पर पदोन्नति देने की तैयारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें पात्र शिक्षकों के दस्तावेज सहित उनका ब्यौरा 15 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद भेजे गए मामलों को विभाग जो है वो पदोन्नति के लिए मान्य नहीं करेगा, यह जिम्मेदारी स्कूल मुखिया और जिला उपनिदेशकों को दी गई है। इस दौरान पात्र शिक्षकों को की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR सहित संबंधित दस्तावेज स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक सत्यापित करेंगे। इसके बाद इन दस्तावेजों को जिला उपनिदेशक कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां इन दस्तावेजों को दोबारा सत्यापित किया जाएगा। जिला स्तर पर उस प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे। इस पदोन्नति के लिए वही CNV शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने टेस्ट पास किया है। इसके अलावा शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। इसके तहत शिक्षकों का BA, BCom, BSc की डिग्री के साथ BEd होना अनिवार्य होगा। इस दौरान 10% पदोन्नति कोटे पर TTD शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। जिला स्तर पर भी बनेगा शिक्षकों का पैनल। इस दौरान जो पदोन्नति होने वाले शिक्षकों का एक पैनल जिला स्तर पर भी बनेगा, हालांकि इनका अंतिम पैनल शिक्षा विभाग शिक्षा निदेशालय में ही तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसमें संबंधित जिलों में आपत्तियाँ भी मांगी जाएंगी। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग नवंबर के पहले सप्ताह में शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी कर सकता है। तो दोस्तों जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नई जॉब नोटिफिकेशन आएगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी वीडियो बनाकर। तो अभी सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें लाल बटन को नीचे और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करना, जैसे वीडियो आती है तो आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पढ़ भी सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डिटेल में पा लेना। और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिलेगा, इनको भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना, ताकि वेबसाइट पर अपडेटेड छोटी से छोटी एजुकेशन वीडियो भी जो वीडियो एजुकेशन वीडियो सब आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। जरूर ज्वाइन करना इन ग्रुप्स को भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करना दोस्तों, उसके लिए हमें खेद है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कुछ भी सजेशन हो तो। और अगर आप यहाँ से किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो अपने यूट्यूब ऐप ओपन करें और वहाँ पर हिम जॉब्स अलर्ट लिखें, इस तरह से हिम जॉब्स अलर्ट, और वहाँ सर्च करके उसको आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।